हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड, यानी कि आज हम फर्स्ट लेक्चर बना रहे हैं अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ट्रांसफर क्या होता है और ट्रांसफर कितने तरह से होता है। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जब तक हमें ट्रांसफर और प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी की, तो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी आती है, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी एंड इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को आपकी मूर्त संपत्ति कहा जाता है। मूर्त यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सकते हैं। दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते। ठीक है, वो आपकी होती है मूर्त संपत्ति। यानी कि अगर हम पूछें कि प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है तो दो टाइप की होती है, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल में आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल और आपकी इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल में वो प्रॉपर्टी आती है जिन्हें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इजिली। ठीक है, देन इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी कहलाती है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति यानी कि वे संपत्तियां जिन्हें आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो आपकी संपत्तियां आती है जिसमें से आपकी ये वो क्रिएशंस होती हैं जो आपकी ह्यूमन माइंड्स के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है। यानी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपकी बौद्धिक संपदा जो होती है, जिसमें कोई लिटरेली क्रिएशन, यानी कि अगर आपने कोई लिटरेली क्रिएशन किया है, कोई साहित्यिक रचना की है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो आपकी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, कोई आर्टिस्टिक वर्क आपने किया है, कलात्मक कार्य आपने अगर कोई किया है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन किया है आपने, वो भी आपकी क्या है, इनकॉर्पोरल यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। या फिर कोई टेक्निकल क्रिएशन अगर आपने करी है तो ये सारी आपकी जो आपकी बौद्धि से यानी कि बौद्धिक क्षमता से जिनका जिनकी आप रचना करते हैं वो आपकी कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आपकी होती है इनकॉर्पोरल, क्योंकि आप इनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, और इनके इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी में आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें ट्रांसफर का, कि अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो गवर्न होगी आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की तो वो आपकी गवर्न होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि प्रॉपर्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, इस कैटेगरी एज मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्वेलरी है आपकी, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और इनसे रिलेटेड जो ट्रांसफर होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो प्रॉपर्टी जो कि कैन नॉट बी मूव्ड इन एनी कंडीशन, ठीक है, इन एनी पॉइंट टाइम, रेदर रिमेन स्टैंड स्टिल एट द सेम प्लेस थ्रू आवर इट्स लाइफ, जो कि अपने स्थान से मूव नहीं की जा सकती और थ्रू लाइफ अपनी वो क्या करती है, रिमेन सेम प्लेस पर रिमेनिंग रहती है, वो आपकी कहलाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि वे प्रॉपर्टी जिनको मूव नहीं कर सकते आप, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी हिंदी में अगर मैं कहूँ तो अचल संपत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हाउस है, अपार्टमेंट्स है, यूनिट्स ऑफ लैंड्स है, ठीक है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड्स है, जो बेनिफिट्स आपको लैंड से मिल रहे हैं, भूमि से मिल रहे हैं, वो भी अचल संपत्ति में आपकी आते हैं। ठीक है, या फिर कोई अदर परमानेंटली अटैच्ड कोई प्रॉपर्टी है जो कि अर्थ से अटैच्ड है परमानेंटली, तो वो भी आपकी अचल संपत्ति में आते हैं।
ठीक है, यानी कि इमोबल प्रॉपर्टी में आते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, ठीक है, मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है, कॉर्पोरल होती है, इनकॉर्पोरल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर की, कि प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इन प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर कैसे कैसे किए जा सकते हैं, यानी कि किस किस तरह से किए जा सकते हैं। तो एक ट्रांसफर होता है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरे ट्रांसफर होते हैं आपके अंडर अदर लॉज, यानी कि दूसरी विधियों के अकॉर्डिंग, जैसे कि बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि जैसे कि सक्सेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसफर अगर हो रहा है, इंसॉल्वेंट अगर कोई व्यक्ति हो गया उसकी प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कोई ऐसा ट्रांसफर हो रहा है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, तो वो भी आपका ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर कहलाता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। जो कि ये स्टाफ हमारा बता रहा है कि जिस पर टीपीए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये वाले जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो इंटर विवस होता है और नॉन इंटर विवस होता है। इंटर विवस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम नॉन इंटर विवस की बात करें तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग पर्सन के थ्रू लिविंग पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? अब अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि टेस्टामेंट्री है, विल से रिलेटेड है, या इंटेस्टेड, यानी कि अगर कोई निर्वसीयत ही है, यानी कि अगर कोई बिना वसीयत किए उसकी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफर होगी, ठीक है, उसके सक्सेशंस को, वो आपका होता है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन इंटर विवस कैसे हुआ, यहाँ पे एक एक जो पार्टी है इनकी, जिसकी प्रॉपर्टी थी वो जो ट्रांसफर हो रही है वो नॉन लिविंग है, यानी कि अब वो जीवित नहीं है, और जिसको ट्रांसफर हो रही है वो जीवित व्यक्ति हैं सारे, तो ये इसलिए आपके नॉन इंटर विवस में आते हैं। अब टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेड प्रॉपर्टी जो होती है वो हर एक, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं कि किस किस तरह से डील की जाएगी वो प्रॉपर्टी, किस तरह से उनका ट्रांसफर होगा, UPZA में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी मूल्य जिसे कि जो कि अब कंबाइन हो गया 2006 में, राजस्व संहिता के नाम से कन्वर्ट हो चुका है, और दूसरा है मॉमडन लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर अदर कोई पर्सनल लॉ है, तो सभी में अपने अपने अलग अलग तरीके के प्रोविजन दिए हुए हैं कि कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन इंटर विवस, यानी कि नॉन लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, ठीक। अब यहाँ पर आप आते हैं इंटर विवस। इंटर विवस यानी कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्ति को अंतरण, ये हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत गवर्न होता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो इंटर विवस ट्रांसफर होते हैं, लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होते हैं। अब अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अब अगर हम आकर के बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है हमारा, इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 1 जो आपका है वो सेक्शन 1-4 तक है, जो कि जनरल चीजें बताता है, जैसे सेक्शन 1 जो है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, ये बताता है किसी भी एक्ट का, और देन फिर सेक्शन 2 जो है वो नॉन एप्लीकेबल की बताता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 3 अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 3 आपका डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड है। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो वो बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी जो वर्ड्स हैं वो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका मीनिंग वही निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बताता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा जहां पर जो आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो सेक्शन 54, 59, 107, 123, ये जहां आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा वहीं पर ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये बताता है। वहीं पर जो इसका चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 आपका सेक्शन 5-37 तक दिया गया है, जो कि जर्नल प्रिंसिपल्स बताता है, यानी जो हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 वो आपके जर्नल प्रोविजंस बताता है, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हमारे होंगे, यहाँ पर सेल्स होंगे, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ठीक है, ये जो ट्रांसफर होंगे ये इन सभी ट्रांसफर में क्या होंगे, रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अगर आप सेल कर रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, तो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे आप, किन रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 2 है ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, सामान्य सिद्धांतों के बारे में बात करता है।
अब यहाँ पर जो सेक्शन 5 to 37 है वो आपके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन 38 से 53A तक जो प्रोविजंस हैं, जो सामान्य सिद्धांत हैं, वो केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि अचल संपत्ति पर एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चैप्टर वन हमने देख लिया, सेक्शन 1 to 4 तक है। नेक्स्ट चैप्टर टू हमने देखा, 5 to 53A तक है, लेकिन इसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 5 to 37 जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे दोनों पर एप्लीकेबल होता है, और सेकेंड पार्ट इसका 38 से सेक्शन 53A तक जो आपकी ओनली और ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है। अब इसकी बात करें हम, नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल से रिलेटेड है, फिर आपका चैप्टर 4 मोर्गेज यानी कि बंधक से रिलेटेड है, नेक्स्ट फिर चैप्टर 5 आपका लीज से रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका एक्सचेंज से रिलेटेड है 6, और 7 आपका गिफ्ट से रिलेटेड है, एंड 8 इज ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताता है कि एक्शनेबल क्लेम जो होता है उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आपका एक ओवरव्यू था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ठीक है। चैप्टराइजेशन, ठीक है, सेक्शन का डिवाइडेशन सबसे पहले जरूरी होता है अगर आप किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप उसका एक ओवरव्यू नहीं लेंगे तब तक आपका जो पोर्शन है वो वीक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी होता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो इतना ही होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से जो हमारा लेक्चर होगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। Take care. Bye-bye.